प्यारे बच्चों, जल और जिला के तदरीसी प्रोग्राम रूपा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम रैली का सबक आओ दाई समझे को अच्छी तरह से समझेंगे। आप यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ पर 10 अलहेदा अलहेदा तीलियां रखी गई है। तो ये 10 अलहेदा अलहेदा तीलियां अलहेदा होने की वजह से ये 10 इकाई है। अगर हम इन तीलियों को एकजा करें और उसका एक गट्ठा तैयार करें तो ये एक दाई कहलाएगा। तो ये गट्ठा क्या हुआ? एक दाई। तो बच्चों याद रखो, दाई हमेशा बाई जानिब होता है और इकाई दाई जानिब होता है। तो जब हम एक दाई लिखेंगे तो एक बाई जानिब होगा और इकाई के मुकाम पर सिफर होगा। तो इसी तरह से आप यहाँ तस्वीर में और मजीद देख सकते हैं कि यहाँ 10 अलहेदा अलहेदा फूल है। ये अलहेदा अलहेदा होने के बिना पर हम इनको 10 इकाई कहेंगे, एक दाही नहीं कहेंगे। अगर इन फूलों पर हम एक दस्ता तैयार कर लेते हैं तो वो दस्ता एक दाही कहलाएगा। इसी तरह मजीद देखिए, यहाँ 10 अलहेदा अलहेदा मोती नजर आ रहे हैं आपको। तो ये मोती अलहेदा अलहेदा है, इस वजह से ये 10 इकाई है, 10 दाई नहीं कहलाएंगे। अगर इन 10 मोतियों को हम हार में पुरो कर एक हार बनाएंगे तो ये हार एक दाही कहलाएगा। और इसको हम किस तरह से लिखेंगे? बाएं जानिब एक लिखेंगे और दाएं जानिब सिफर लिखेंगे तो ये एक दाही होगा। तो उम्मीद है बच्चों, दाही आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे।